नए आईपीओ के बारे में जानिए एंजल वन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं पारादीप फॉस्फेट्स के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की, कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की और वैल्यूएशन की, तो हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़े रहे। चलिए आईपीओ डिटेल से शुरू करते हैं। तो इस आईपीओ का टोटल साइज रुपीज 1,466 करोड़ से रुपीज 1,502 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू रुपीज 1,004 करोड़ का रहेगा एंड लगभग बिटवीन 462 करोड़ से 498 करोड़ का ऑफ ऑफ सेल पोर्शन रहेगा। ये इशू 17 मई 2022 को खुलने वाली है एंड इट क्लोजेज ऑन 19 मई 2022। इसका प्राइस बैंड 39 रुपीज टू 42 रुपीज पर शेयर का रहेगा और बिड लॉट 350 शेयर्स का होगा। शेयर्स के लिस्टिंग पर कंपनी का मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड के अनुसार रुपीज 3,421 करोड़ रहेगा और शेयर्स के लिस्टिंग लगभग 27 मई 2022 को होगा। बात करते हैं इस आईपीओ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। कंपनी का ये इशू रेज करने के दो रीजंस हैं। फ्रेश इशू के प्रोसीड से 520 करोड़ रुपीज कंपनी की गोवा फैसिलिटी की एक्विजिशन की पार्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज किए जाएंगे और 300 करोड़ लोन रिपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। पारादीप फॉस्फेट्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1981 एंड इज करंटली हेल्ड बाई जुआरी मारोक फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जुआरो एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओसीपी ग्रुप एसए की एक जॉइंट वेंचर है। बेस्ड ऑन 9 month एनिंग फाइनेंशियल ईयर 22 नंबर्स, पारादीप फॉस्फेट्स भारत में नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र की मैन्युफैक्चरर है और अगर हम डैप वॉल्यूम सेल्स की बात करें तो भारत के प्राइवेट सेक्टर के दूसरी सबसे बड़ी डैप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। कंपनी कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के उत्पादन, व्यापार और बिक्री करती है, विच इंक्लूड्स डैप, 3 grades ऑफ एनपीके, जाइपमाइट, फॉस्फोजिप्सम एंड एचएफएसए। कंपनी के फर्टिलाइजर्स की प्रमुख ब्रांड्स जैसे जय किसान, नवरत्न एंड नवरत्न मार्केट्स में काफी वेल नोन है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पारादीप ओडिशा में है, जिसमें डैप एंड एनपीके फैसिलिटी है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन प्लांट और फॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्शन प्लांट भी है। कंपनी सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक एसिड्स डैप एंड एनपीके के उत्पादन के लिए यूज करती है। पारादीप हैज ऑल्सो एंटर्ड इन टू द बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट विद जुआरी एग्रोकेमिकल्स टू अक्वायर द गोवा फैसिलिटी। आगे फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से देखें, कंपनी का टॉप लाइन 8.9% सीएजीआर से ग्रो किया है बिटवीन फाइनेंशियल 19 to 21। इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.8% सीएजीआर से ग्रो किया है, जबकि उनका प्रॉफिट 18.5% सीएजीआर से ग्रो किया है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। For the 9 month ended financial year December 21, company ne already 5,960 crores ka top line and 363 crore ka profits report kiya hai, jo ki financial year 21 ke top line and profits se kai zyada hai. तो पहला 9 months का परफॉर्मेंस देख के हम ये कह सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करेगी एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 21। अगर हम कुछ लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो उनमें आती है कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स और दीपक फर्टिलाइजर्स। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो पोस्ट इशू फाइनेंशियल ईयर 22 एनुलाइज पीई 7.1x का आता है एट द अपर एंड ऑफ द इशू प्राइस बैंड। कंपनी से जुड़े कुछ रिस्क की अगर बात करें तो कंपनी का बिजनेस एग्रीकल्चर सेक्टर्स के परफॉर्मेंस से जुड़ा है, क्योंकि इट यूजेस फर्टिलाइजर्स, तो भी कोई एडवर्स डेवलपमेंट के कारण कंपनी को इम्पैक्ट आ सकता है। मेन पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक रेगुलेटेड सेक्टर है, जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज या उनकी सब्सिडीज काफी हद तक फर्टिलाइजर परचेज इन्फ्लुएंस करता है, तो इसमें कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होने के कारण पारादीप फॉस्फेट्स के परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट आ सकता है। वेल दोस्तों, ओवरऑल मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और तो और नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स भी बता दिए हैं। नीचे कमेंट्स में आप हमें बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आईपीओ? क्या हमें इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड? क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा इस आईपीओ में? For Angel Research View, we will publish our report on Angel One website on 16th May 22. Thank you for watching this video. Aise hi aur naye IPOs ke baare mein janne ke liye, don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.